कैथल विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अनिल कुमार ने मतदाताओं के भरपूर समर्थन का दावा किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अनिल कुमार ने कैथल को भयमुक्त करने को अपनी प्राथमिकता बताया। अनिल कुमार ने कहा कि जनता से किए गए वायदे इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनते ही सबसे पहले पूरे किए जाएंगे। आइए अनिल कुमार की बात सुन लेते हैं। आप हमारे चेहरे से उत्साह देख सकते हैं, हमारे कितना उत्साह है। तो ये उत्साह तो हमारे अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का भरा हुआ है, चौधरी देवीलाल की नीतियों का है, ये ऐसे ही चलते रहेगा निरंतर। तो जीत को लेकर हमारी पार्टी और हम आश्वस्त है, बाकी जनता जनार्दन है, जनता जो भी फैसला करे। अनिल जी, किन मुद्दे तो ये हैं कि यहाँ पर हमारा जो विधायक है रणदीप सिंह सुरजेवाला, मैं कितना षड्यंत्रकारी हूँ कि मेरे षड्यंत्र का अंदाजा यह बात आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से, अजय सिंह चौटाला जी से, शेर सिंह बड़शामी जी से तिहाड़ जेल में जाके पूछे। और कैथल हल्के के लोगों को सरेआम दम करता है। मुद्दा तो ये है कि कैथल को भयमुक्त करना है, और रही विकास की और जो भी जन कल्याणकारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो भी वायदे सरकार के हैं, जब भी हमारी सरकार आएगी पहली कलम से हमारी सरकार बनते हैं वो सभी के सभी पूरी किए जाएंगे। और विशेषतर कैथल के लिए, क्योंकि मैं खुद एक गरीब परिवार से जुड़ा हूँ और मुझे हर चीज का पता है कि भी कहाँ क्या समस्या और क्या होना चाहिए, तो मेरा ये कोशिश रहेगी कि मैं कैथल के लोगों के लिए जितना ज्यादा अग्रणी काम कर सकूं उतना करूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इंडियन नेशनल लोकदल की कैथल में स्थिति के बारे में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।